BS6 WRV 2020 कैसी है, क्या फीचर्स आए हैं, कितने तरह के इंजन ऑप्शन है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और किसको कंसीडर करनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपके मन में सवाल हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कि कार में चेंजेस क्या है। WRV जब भारतीय बाजार में आई तो बहुत से लोगों के दिमाग में यह था कि यह SUV है कि क्रॉसओवर है। हाँ, मेरी नज़र में मैं इसे क्रॉसओवर ज़्यादा कहना पसंद करूँगा। यह वैसे ही दिखती भी है, वैसे ही फील भी लेके आती है, लेकिन थोड़ा सा टफ सस्पेंशन सिस्टम की वजह से लोग इसे SUV भी कहते हैं। किनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? भाई उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनकी कार को कोई SUV के टैग में बांध दे, लेकिन SUV वाला फील भी मिल जाए। ऐसे लोग WRV को काफ़ी पसंद करते हैं। कार किस ऑप्शन में आई है? चेंजेस, नई आपको हेडलाइट मिल जाती है। यह LED हेडलाइट है प्रोजेक्टर के साथ में, और साथ ही आपको मिलते हैं डे टाइम रनिंग लाइट्स भी इसी में, और नीचे आपको LED फॉग लैंप मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में ही, मेन प्रोफाइल में ही अगर हम बात करें तो आपको बड़ी डिजाइन की क्रोम की ग्रिल, उसके नीचे ब्लैक कलर का ग्रिल मिलती है, जो कि आपको थोड़ा सा अप मार्केट फील कराएगी, और इसी पर ही नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं। सबसे नीचे आपको सिड प्लेट मिलती है जो सिल्वर कलर के साथ में है। फॉग लैंप भी इसके LED फॉग लैंप दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में अगर बात किया जाए तो आपको बड़े से व्हील आ चुके हैं, 195/60 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। ऊपर बड़ी ब्लैक कलर की क्लैडिंग दे रखी गई है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से कार काफ़ी रूमी फील कराती है। ऊपर ही आपको एक रूफ रेल दिखती है, जिसकी वजह से थोड़ा रफ एंड टफ मस्कुलर लुक भी इसका निखर कर आता है। और सबसे ऊपर आपको मिलती है सनरूफ और शार्क फिन एंटीना। रेयर प्रोफाइल के चेंजेस की अगर बात करूं तो चेंजेस के तौर पर हाँ, चेंजेस तो थोड़े से लाइट में भी मौजूद हैं, लेकिन वह चेंजेस उतने एविडेंट नहीं लगते हैं। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी कार का नीचे का जो पोर्शन है जिस पर कि सिर्फ प्लेट दे रखी गई है, वह काफ़ी अच्छा लगता है। ये कहा जा सकता है कि यह कार लुक्स में मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगेगी, बस थोड़ा अलग सी दिखती है। चले कार के इंटीरियर को समझते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं और वह चेंजेस से क्या फर्क पड़ता है। एक बड़ी शिकायत मुझे अभी है WRV से कि इसका ब्लैक बोरिंग कलर अभी भी जारी है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि कम से कम अब इसे यह बीज कलर में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कंपनी का मानना है कि वह थोड़ा स्पोर्टीनेस देने के लिए ब्लैक कलर के साथ ही जाना पसंद कर रहे हैं। डैशबोर्ड अच्छी क्वालिटी का है, पहले ही भी मैं उसे चेक कर चुका हूँ। अगर आपने इस कार का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप रिव्यू वीडियो इसका देख सकते हैं। चेंजेस जो हैं वह इंजन में आए हैं, और वह चेंजेस केवल BS6 बना रहे हैं। इंजन के करेक्टर में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, बताऊँगा इंजन वाले ऑप्शन में। स्टेयरिंग व्हील पुराना ही है, एक तरफ क्रूज कंट्रोल, दूसरी तरफ आपको ऑडियो कंट्रोल्स के ऑप्शन मिलते हैं। पीछे जो MID दे रखी गई है उसी में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, और राइट हैंड साइड पर MID दे रखी गई है। थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और अगर हम बात करें इस कार के बारे में तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप दे रखा गया है, और दोनों ही वेरिएंट में यह अवेलेबल है। सीटें आप 4-way एडजस्टेड हैं, और साथ ही आपको जो नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है वह बदला हुआ है। अब यह 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम DigiPad 2 सिस्टम के साथ में है, और इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी मौजूद है, साथ ही एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी दे रखा गया है। मेरी सलाह है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है होंडा के इनबिल्ट नेविगेशन के मुकाबले। क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, और क्लाइमेट कंट्रोल टच स्क्रीन के साथ में है।
यानी कि टच होने की वजह से आपको पहले से ही कार स्टार्ट करके आपको सब सेट करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि बीच में अगर आप हवा भी कम करना चाहेंगे तो सड़क से आपको निगाह हटानी ही पड़ेगी। ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है, लेकिन फिर भी फंकी और देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है बाकी सभी बैठे हुए लोगों के लिए। अब जो दूसरी बात की जाए वह है इतने सारे फंक्शंस रियर पार्किंग कैमरा जो है उसमें भी गाइडलाइन दे रखी गई हैं, हालांकि वह गाइडलाइन क्या बदलती हैं इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और देख कर नहीं लग भी रहा है, क्योंकि होंडा सिटी में भी उन्होंने नहीं दिया है। इंजन कार में वही पुराने दोनों इंजन मौजूद है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो देता है 90 पीएस की पावर, साथ ही 111 एनएम का टॉर्क। यह 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन काफ़ी रिफाइंड है, हालांकि कार में रोड नॉइज काफ़ी एविडेंट होती है जिसकी वजह से वह रिफाइनमेंट उतनी फील नहीं होती। डीजल की बात किया जाए तो डीजल में मिलता है आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो देता है 100 पीएस की पावर 200 एनएम टॉर्क के साथ। यह डीजल इंजन पावर काफ़ी देता है जो इस कार के लिए रीजनेबल है, और यह पावर शुरुआत के आरपीएम में तो थोड़ा रिफाइंड फील होता है, लेकिन जैसे ही कार की स्पीड बढ़ती है आरपीएम बढ़ते हैं यह इंजन एविडेंट हो जाता है नॉइज़ के मामले में, और जब रोड नॉइज़ भी मिलती है तो यह रिफाइंड नहीं रह पाता है, और यानी मैं ये कहूँ कि काफ़ी नॉइजी हो जाता है कुछ खास कंडीशंस में। वजह थोड़ा पैकिंग का अच्छा इस्तेमाल किया जाता तो शायद यह प्रॉब्लम आती ही नहीं। कार में सेफ्टी की बात कर ली जाए, सेफ्टी के तौर में कार में आपको मिलते हैं 2 एयरबैग, ABS, EBD जैसी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, बिल्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और देख कर कार को और एसेस करके ये लगता है कि यह रीजनेबल सेफ कारों में आप इसे गिन सकते हैं। वैसे भी होंडा की कारों में अधिकतर सेफ्टी को लेकर उतने इशू कभी नहीं रहे हैं लोगों को। बूट स्पेस थोड़ा सा कमी है, लेकिन इस सेगमेंट की सभी कारों में बूट स्पेस को लेकर लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसमें भी आपको 2 बड़े बैग रखने की जगह मिल जाती है, साथ ही आप 1-2 छोटे बैग भी साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। कप होल्डर्स, USB पोर्ट वगैरह काफ़ी दे दिए गए हैं पिछली वाले के मुकाबले, जिसकी वजह से कार अब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। कार 2 वेरिएंट में अवेलेबल कराई गई है और 6 कलर्स में अवेलेबल है। दोनों वेरिएंट हैं SVMT जो पेट्रोल में आता है, इसकी कीमत है 8,49,000 रुपीज़, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वह है 9,69,900 यानी 70,000 रुपीज़ का है, और उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, क्योंकि इसमें 2 ही वेरिएंट है, यानी कंज्यूमर के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन का ऑप्शन नहीं है, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह टच स्क्रीन आपको लोअर वेरिएंट में भी मिल जाती है। बढ़े हैं टॉप डीजल की तरफ, तो डीजल में भी 2 ही वेरिएंट अवेलेबल हैं, और दोनों में एक जो SVMT उसकी कीमत है 9,80,000 रुपीज़, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,00,000 रुपीज़, यानी पेट्रोल में 10 लाख रुपए के नीचे है और डीजल में यह 11 लाख रुपए तक कीमत चली जाती है। किसको कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, पेट्रोल को ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि होंडा के पेट्रोल इंजन पर लोगों का भरोसा कहीं ज़्यादा है, और यह काफ़ी अच्छे भी हैं सिटी में भी और हाईवे के लिए भी रीजनेबल गुड इंजन कहा जाता है, और इसलिए पेट्रोल में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है वह है इसका टॉप वेरिएंट ही है, क्योंकि फॉग लैंप और मेन है LED हेडलाइट, रियर वाइपर, सनरूफ, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और इनकी वजह से यह कार रियली वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। कीमत में अंतर सिर्फ 1,20,000 रुपये का, लेकिन आपको इसके बदले में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सनरूफ मेरी नज़र में भले इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन आप कंज्यूमर सनरूफ को बहुत तवज्जो देते हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यह एक अच्छा पैकेज रहेगा। लेकिन अगर आपको सनरूफ की सचमुच जरूरत नहीं है और नाइट ड्राइविंग उतनी अधिक नहीं होती है, तो आप लोअर वेरिएंट को अपने लिए बेहतर मान सकते हैं, पेट्रोल में भी और डीजल में भी। यह कार ऑटोमेटिक में नहीं आती है, 3 साल की आपको एनुअल वारंटी मिल जाती है, सर्विस पैकेज भी मौजूद है, तह तह से आप अपने हिसाब से उसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, नहीं चाहते वो रेगुलर SUV आपको दिखाई दे, तो आप WRV को कंसीडर कीजिए, एक बार चला कर देखिए, आपको हो सकता है बहुत पसंद आ जाए।
कार थोड़ी सी इंटीरियर के मामले में उतनी ग्लैमरस फील नहीं होती, क्योंकि ब्लैक कलर का इंटीरियर थोड़ा कुछ लोगों को बोरिंग फील करता है और बीज कलर का इंटीरियर उनको रूमी फील कराता है और कार बड़ी सी फील होने लगती है बीज कलर में। ये यहाँ पे डिफरेंस जरूर आपको मिलेगा। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो WRV एक अच्छा पैकेज है प्राइस के अनुसार। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपको क्या लगता है WRV जिसने पहले धीरे धीरे अपनी सेल बढ़नी शुरू की थी वह अब पिछड़ क्यों गई, उसके क्या रीजन है और इसका असली मुकाबला किस कार के साथ होगा, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। और एक और सवाल का जवाब दीजिए तो मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकूंगा आप सभी व्यूअर्स को। क्या दो वेरिएंट देना कस्टमर को कम ऑप्शन देना है या कन्फ्यूजन ना रखना है, बताइएगा यह भी नीचे कमेंट सेक्शन पे। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे लिखकर, और हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़ रिव्यूज़ आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ही नई नई ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दीजिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।